सांस्कृतिक आदान प्रदान भारत रूस संबंधों को पूरक है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। भारत और रूस के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुए 75 साल हो गए। दोनों देशों के बीच सैकड़ों सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। इस साल पुराने हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान भारत रूस के संबंधों का पूरक है, उन्होंने कहा। रूस में 50 साल पूरे होने के मौके पर प्रस्ताव राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की अगुवाई में मुंबई में रॉयल ओपेरा हाउस में कोरोको कलाकार की टीम द्वारा क्रेनिसा संगीत लोक कला आदि बड़े धूमधाम। हमारे बड़े दोस्त हम शंकर ही आने वाले, मैं सोचता हूँ कि इस जगह सबसे सुरक्षित जगह जो मुंबई में है। दो महीने तो मैं रियाज करूंगा बस। ये तो हमारे अंतिम शो, आप जानते हैं कि समय बहुत सा जल्दी चलता है, और पिछले सप्ताह दिल्ली में हमारे संस्कृति समारोह शुरू हुआ था, बाद में कलकत्ता में गए, और अभी तो कितना 3-4 दिन वे तो यहाँ मुंबई में है। हम तो ये संस्कृति समारोह हमारे बहुत सा महत्वपूर्ण तिथि, हमारे संबंध दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में 5 साल हमारे जैनिक संबंधों स्थापित करने से हम मनाते हैं, और यह तो बहुत सा ज्यादा समय हमारे दोनों देश हर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, और हमारे हमारे देश और भारत वे और महा हमारे जानता हूँ। ये तो बहुत सा महत्वपूर्ण था कि ऐसे बड़े देशों ऐसे महाजनतों के बीच इतने अच्छे संबंध और मजबूत बना जाएंगे, और हमारे हम इस संबंध ज्यादा और मजबूत करना। शुक्रिया आपको, धन्यवाद, और दोस्तों कश्यारी जी बताएंगे। Thank you. Russian Center of Science and Culture. I would like to thank you for coming today. And first of all, I would like to say great thanks to all of our artists, because it's a big present for us today. And also for me, because today is my birthday, and this is the best present for me. Look at the answer. Wait a minute. इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भी रसम सीखनी चाहिए थी, लेकिन मेरा जो दूसरा एडीसी नेवल फोर्सेस है वो अच्छी रसम जानता है। आज मेरे पास पुलिस वाला एडीसी है, अगर वो आता तो मुझे 2-4 शब्द रसम जरूर बता देता। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको आई हैव होल हार्टली वेलकम यू, कंग्रेचुलेट यू इन मुंबई एज गवर्नर ऑफ मुंबई, और
आई एम वेरी थैंकफुल टू कंसल जनरल पर्टिकुलरली वो हिंदी में बोले और इतनी अच्छी हिंदी में बोले कि हमारे सारे बेकार हैं। You have won the hearts of all Mumbai. Sorry, Mumbai ने हिंदुस्तान का दिल आपने जीत लिया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हमारे रूस और भारत के जो संबंध है ये एज लॉन्ग है, फ्रॉम सेंचुरीज सेंचुरीज, नॉट ओनली फ्रॉम 1947, उससे बहुत पहले आगे से हमारे हजारों साल से रूस और भारत के संबंध हैं। और मुझे याद आता है अरिस्टोक्रेसी, जब मैं स्टूडेंट था तो हम उन दिनों पढ़ते थे और हम लोगों को विशेष करके गोर्की, टॉलस्टॉय आदि बहुत पसंद आते थे। और मैं तो पर्टिकुलरली चेखव आदि बहुत लोग वहाँ के अच्छे लेखक हैं, पर टॉलस्टॉय मेरे लिए उतने ही प्रिय लेखक थे जितने प्रिय मेरे ख्याल से हमारे रामचरित मानस या ज्ञानेश्वरी के लेखक थे। तो टॉलस्टॉय स्टिल आई रिमेम्बर कि मैंने उसको क्या पढ़ा था, उसकी कहानी मुझे आज भी याद आती है। एक आदमी को मरने के लिए कितनी जगह चाहिए, ओनली 6 feet, आई स्टिल रिमेम्बर दैट स्टोरी। तो एक प्रकार से भारत और रूस के हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। और आप जब ये सब मुंबई के यहाँ लोग हो सुनने के लिए आए हो, आई टेल यू देन वर आई वॉज ए स्टूडेंट, आई वॉज ए कॉलेज स्टूडेंट, तो हमारे अल्मोड़ा से, तब हम लोग यूपी में थे, उत्तराखंड नहीं बना था, हमारे अल्मोड़े से हमारे मोहन प्रीति थे, वो फोक सॉन्ग और फोक डांसिंग के लिए ही वॉज ऑफ एंड ऑन ही वॉज इन्वाइटेड टू रसा, तो बार बार उनको रसा इन्वाइट किया जाता था एंड फ्रॉम उत्तराखंड। तो एक प्रकार से आपसे हमारे संबंध बिकॉज बहुत पुराने हैं और डे टू डे जहाँ पॉलिटिकल लेवल पर हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, और मैं कहूँगा कि हम अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, दी फार लिविंग फार गोइंग रिलेशंस आर द कल्चरल रिलेशंस, और उस कल्चरल रिलेशंस को हम लोग और मजबूत बनाए। आपने हिंदी सीखी और रूस में न केवल हमारे राज कपूर लोकप्रिय है, और अपार्ट फ्रॉम राज कपूर आज रूस के अंदर भारत का योगा बहुत ही लोकप्रिय है। योगा इसको कॉमन किया, इसको पॉपुलर किया, एंड इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, कंग्रेचुलेशन करता हूँ। और जो हमारा ICCR है, ICCR बहुत कोशिश कर रहा है कि हम सब, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, आज हम सम ऑफ में भी अमेरिकन, सम ऑफ अस में भी रशियन, सम ऑफ में भी इंडियन, बट ओवरऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ऑल द क्रिएशन ऑफ द गॉड, वी आर। तो इसलिए चूंकि हम एक ही की क्रिएशन है, सब एक है, और उस एक को सबके अंदर, हमारे यहाँ हिंदी में ये कहते हैं, यहाँ इसमें इंग्लिश में जो बोलते हैं, हिंदी में विविधता में एकता, English you speak as unity in diversity. So we may be that the diversity may be there in different countries, but overall as human being we are one and the same. Or by cultural activities, हम लोग एक human being के नाते, एक मानव के नाते, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, इतने नजदीक आते हैं कि हमारे कंसल जनरल तो ऐसा लग रहा था पूरे ही भारतीय हो गए हैं। तो मुझे बहुत आपको बधाई है, आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आई पर्टिकुलरली कॉन्ग्रेचुलेट द व्हाट यू कॉल योर डांस एंड अदर ट्रूप्स, अदर दिस मेंबर्स ऑफ दिस म्यूजिक डांस एंड ट्रूप, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।